क्वेश्चन रिकॉर्डिंग की बलि चढ़ गया. सो नाउ रितु एंड रोशन, देखो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको बेसिकली क्या है कि जो आपने पहले 7 एक्सरसाइजेस सॉल्व किए ना, उसका एक्सपीरियंस को ही यूज कर 7.9 और 7.10 सॉल्व होना है अच्छे से. अब आपको देखा, आपने देखा कि ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो एक तरीका तो हो गया सिंपल सा कि अगर आपको ये याद है तो ये वाला फॉर्म लगा लो, दिस विल बी बेटर, ठीक है. या फिर दूसरा तरीका क्या होता कि हम मैनिपुलेशन करते थोड़ा सा, 2x plus 3 upon 5x square plus 1. अब देखिए यहां पे हमारे लिए ये बड़ा आसान हो जाता अगर हमारा नीचे का डिफरेंशिएशन हमको ऊपर दिख रहा होता. अभी फिलहाल नीचे वाले पार्ट का अगर डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 10x, लेकिन हमारे पास ऊपर 2x है. तो आप क्या कर सकते थे फिलहाल, मान लो कि आपने सबसे पहले न्यूमरेटर्स को सेपरेट कर लिया, तो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 किया प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 किया, ठीक है. ये सबसे पहले आपने कर लिया. उसके बाद यहाँ पे ऊपर पहला वाला जो टर्म है इसके ऊपर हमको 10x लाना है. तो ये 10x लाने के लिए हमारा अगला अप्रोच क्या रहा कि हमने एक 1/5 बाहर रखा और एक 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया. 5 ऊपर मल्टीप्लाई करने से 5 × 2 10x हो जाएगा, 10x अपॉन 5x² प्लस 1, ठीक है. 5x square plus 1. क्या किया हमने, ऊपर 2x था, ऊपर 10x चाहिए था, तो 10x लिखने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इसीलिए हमने बाहर एक 5 से डिवाइड कर दिया ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे. और यहाँ पे अपना सिंपल सा 3 को अगर बाहर ले आते हैं तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1/ नाउ अगर आप इसे देखोगे तो वी कैन राइट इट एज 1+x² का फॉर्म, 1+x². अब x² लिखने के टाइम पे हम √5 × x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है. अब यहां देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है और इसको देखिए जो ये वाला पार्ट है इसमें आपका टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1+x² यहां पे क्या आता है फॉर्मूला टैन इनवर्स x, तो ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है. पता चल रहा है रोशन एंड रितु आपके डाउट से, ये आइडिया हो रहा है क्या कर रहा हूं मैं या कहीं पे नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी. ठीक है, तो अब इसके आगे वैसे सॉल्व करने की भी जरूरत पड़ेगी क्या, मेथड 1 है ये. रितु क्या इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, if you consider this as t, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो प्रॉपर dt आ जाएगा, ठीक है. तो देखो ये तो हो गया अपना मेथड 1. अब अगर इसको आप मेथड 2 से सॉल्व करने जाते मतलब वो जो 7.5 एक्सरसाइज का अगर हम प्रॉपर फॉर्मूला लगाने जाते तो मेथड 2 क्या कहता है, अल्टीमेटली मेथड 2 से यही निकल कर आएगा जो अभी हमने ऊपर अलग किया ना, ऊपर अलग किया तो क्या आ रहा है 10x आ रहा है, ये 3 आ रहा है, यही चीजें आएंगी वहां पे. तो मेथड 2 जो है 7.5 एक्सरसाइज वाला वो कहता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है 2x plus 3 तो उसमें हम करेंगे लेट 2x plus 3 इज इक्वल टू a इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5x² plus 1 प्लस बी, राइट. और यहां से फिर हम ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. अब यहां पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 10x आ गया, तो ये कहने के लिए ए इंटू 10x हो गया प्लस बी. एंड नाउ व्हेन यू कंपेयर द कोफिशिएंट्स, क्योंकि इसके बाद हम ए और बी निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग
द कोफिशियंट्स यहां पे हम देखें कि 2 इज इक्वल टू 10a एंड 3 इज इक्वल टू b. तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/5 और b का वैल्यू आ गया 3. ठीक है, a 1/5 होगा, b होगा 3. हाँ वही तो कह रहा हूं, सही वही तो लिखा हूं रोशन. ठीक है, अब देखो a कितना आया, 1/5 आया कि नहीं. यहां पे देखो ये बाहर 1/5 लगा है ना, और b आया है 3. ये देखो बाहर 3 लगा हुआ है, राइट. तो अल्टीमेटली ये चीज करकर हम ऊपर वाला फॉर्म ही लाते हैं. बट यहां से क्या होता है कि यहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यहां सीधा आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके कंपेयर करते हो. यहां पे आपको अपना थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज करना पड़ता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. तो अब मैं बस एक स्टेप और करूंगा, देन यू रियलाइज कि अच्छा अब सेम हो गया. तो जो हमारा i था, अब उसका न्यूमरेटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर की जगह पे हम 1/5 into 10x लिखेंगे. बेसिकली ये रहेगा ना, इसके जगह पे ये रिप्लेस करेंगे. तो a का वैल्यू 1/5 आ गया, 1/5 into 10x प्लस 3 अपॉन आपका डिनोमिनेटर विच वॉज 5x² + 1 dx. ठीक है, सो रोशन एंड रितु, नाउ आई होप इट इज क्लियर. न्यूमरेटर्स को अलग अलग करेंगे हम, और न्यूमरेटर्स को अलग अलग करने के बाद सेम ये वाला फॉर्म आ जाएगा जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है. ठीक है, देखता हूं निकित. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. 16 एंड 14 दोनों में स्लाइट अंतर है. ठीक है, स्लाइट अंतर है. एक तो आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई साहब पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जाएंगे अगर, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का कंडीशन होता है कि नीचे वाला डिग्री ज्यादा होना चाहिए ऊपर वाले से, और अभी फिलहाल डिग्री सेम है. तो जो एक्स्ट्रा चीज हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी वो होगा डिविजन. ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, आदित्य राज कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 पे जाओ, वहां पे सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है. कॉसेक का इंटीग्रेशन सीधा वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है. आई थिंक इट इज लॉग ऑफ कॉसेक माइनस कॉट. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, 5x² / x² + 4x + 3. 5x² ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. अब सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई इसको हम अलग अलग करें. तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे 5x² को 1 काम 1 तरीका सिखाता हूं आपको. ठीक है, डिवीजन से अगर थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो. ओके, देखो 5 ले लिया बाहर, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास x2. ठीक है, ये x2 ओरिजिनली प्रेजेंट था. अब हमको डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है ना वो कंप्लीट कर दो. तो उसके बाद हमने प्लस 4x लिख दिया, प्लस 3 लिख दिया. ठीक है, और इसको अब बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमने माइनस 4x माइनस 3 कर दिया. ओके, क्या किया हमने,
ये ब्लू कलर से जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ऑलरेडी प्रेजेंट था, देखो बाहर 5x स्क्वायर था तो 5 बाहर लिया, अंदर एक्स स्क्वायर है। और फिर डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर का 4x बचा और 3 बचा, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 4x प्लस 3 लिख दिया वही ग्रीन कलर से, और उसको बट वो चीज मैंने ऐड की है खुद से, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसीलिए -4x -3 कर दिया साथ में, ठीक है। तो इससे डिवीजन से बचोगे बस थोड़ा सा। और अब अगर हम इसको अलग अलग कर दे, इसको अलग कर दोगे और इसको अलग कर दोगे, तो आपको क्या होगा कि एक जगह पे आपको मिलेगा 1/x² + 4x + 3, ठीक है, एंड दूसरी जगह पे आपको मिलेगा 5 4x + 3/ सर सिर्फ 1 बचेगा ना यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 1 बचेगा ना, अगला वाला पार्ट, अगला वाला पार्ट सर, तो नीचे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्यों किया, अरे अरे सॉरी सर, सिर्फ 1 बचेगा, ओके ये चीज समझ में आया क्या जिन लोगों को 16 में डाउट था, अदिति एंड रोशन, इज इट क्लियर, पता चला क्या किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो वन का इंटीग्रेशन तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है दुनिया का इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, सेकेंड वाला पार्ट जो है अभी जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने सेम वही चीज है, राइट, ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, यस और नो, ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आप वही तरीका अपना सकते हो, 4x plus 3 is equal to इसका a into इसका differentiation plus b कर सकते हो, तो can I leave it here or do I need to solve it, बता दो, ठीक है। चलो उन लोगों ने बोला कि सर यहां से हो जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, ओके 20 हो गया अपना, एक्स इंटू ई एक्स, यहां तो बाई पार्ट्स लग जाएगा, प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई फोर, एक्स इंटू एक्स, रोशन ये आपका डाउट था, ध्यान देना जहां भी दिक्कत होगी इंस्टेंटली पूछना, ठीक है। देखो लिमिट क्या लगा हुआ तो उतना मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा कि हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, और फिलहाल मैं लिमिट भूल गया था, बाकी पार्ट तो याद रख लिया, एक्स इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई फोर, ठीक है, डीएक्स। देखो रोशन सबसे पहले तो यहाँ पे सेपरेट करोगे यार, क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट, एक्स इंटू एक्स वाले का साइन के साथ कुछ हम ऐसा फॉर्म नहीं लगा सकते कि एक का इंटीग्रेशन या एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में आ रहे, सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज इसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए। अब साइन वाले पार्ट में अगर ठीक से देखोगे तो पाई बाई फोर जो है ना वो एक कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जो पाई बाई फोर है वो एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा यार, ओके। और ये तो यहां पे अपना लगेगा क्या, बाई पार्ट्स। अब यहां जो बाई पार्ट्स लगाना है तो आईलेट फॉलो करोगे, क्योंकि यहां पे डिसिमिलर फंक्शंस है। अब आईलेट में ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम किसको पहले अज्यूम करते हैं, एल्जेब्रिक पहले आएगा, तो दिस विल हम इसको पहला फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, फिर इस होल का dx, राइट,
और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है रोशन, बताओ जल्दी। साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, ठीक है। तो यहां पे हमने लगा दिया माइनस कॉस पाई बाई फोर एक्स, और अब क्योंकि साथ ही साथ इसमें कुछ लीनियर कोफिशिएंट टाइप है तो पाई बाई फोर से हमको डिवाइड भी करना है उसको, ठीक है। अब यहां पे जो भी लिमिट आएगा वो आप रख दीजिएगा। रहा बात फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स तो ई एक्स ही रहेगा, तो हमारे पास एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स रहा, माइनस अंदर भी ई पावर एक्स ही है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई पावर एक्स ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी आप अपना लिमिट रख लीजिएगा, जो भी यहाँ पे लिमिट है ई पावर एक्स कॉमन ले लेना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर रोशन? मेन इंटीग्रेशन वाला पार्ट था वो हो गया ना। सो ओके ग्रेट, अगला क्वेश्चन है 20 फिर 22, राइट। अच्छा ये 20 था तो अब 22 बचा हुआ है। आदित्य 15 देखते हैं, 15 वाओ गुड क्वेश्चन। x into, गाइस इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के किसी ने सॉल्व किया है क्या क्वेश्चन नंबर 15 को? क्वेश्चन नंबर 15 बिना सब्स्टिट्यूशन के किसी ने सॉल्व किया है? रोशन क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, और यहां पे अगर मैं 22 की बात करूं रोशन तो आप वही एक्सरसाइज 7.4 में जाओगे ना तो आपको ये वाला इंटीग्रेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पे जो फोर है उस फोर को हम, यार बहुत हैंग हो रहा है, जो फोर है उसको हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं रोशन, ठीक है। और जो 9x² है उसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है आपको एक्सरसाइज 7.4 या 7.5 में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा विदाउट लिमिट्स, ठीक है। तो 22 यहीं पे फिर खत्म करते हैं। अनिकेत का कहना है बाई पार्ट्स, ओके 22। अभिषेक ये 22 की अगर बात करूं, ठीक है एक मिनट, आप यहां पे आप लोग गलती कहां पे कर रहे हो, फॉर्मूलाज इंस्टेंटली पिक नहीं कर रहे हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 7 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। अभिषेक देखो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं, ठीक है हो गया। ये देखिए क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। रोशन एंड अभिषेक क्वेश्चन नंबर 22 का फॉर्मूला ये रहा। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 4 प्लस 9x², तो अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो 9x² है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो ये dx लिखा, 9x² हमारा बन गया 3x का होल स्क्वायर, और जो 4 है वो बन गया अपना 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
और अब आपने सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अभिषेक इज इट क्लियर? अब क्लियर है? अभिषेक रंजन कंफर्मेशन दो जल्दी से, क्लियर है ये फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा सीधा? ओके चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अनिकेत क्या आपने बाईपार्ट से सॉल्व किया है इसको? बाईपार्ट लगना मुश्किल होगा ना, क्योंकि e के ऊपर फिर से x स्क्वायर है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? मिली सब्स्टिट्यूशन, मैं तो कह रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन के अलावा, क्योंकि जैसे ये एक्सरसाइज विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, इसलिए कह रहा था। x into आदित्य देखो, x into e to the power x square, मुझे यही दिख रहा है कि अभी 7 से 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया, और अगर किया है तो शायद कोई डाउट नहीं है। देखो आदित्य ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर और यहाँ पे x, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद इतना तो फील आना चाहिए कि x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t करें, तो फिर 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और हमारे पास क्योंकि x dx है, ये x है और यहाँ पे dx है, तो x dx हो जाएगा dt अपॉन 2, और इसीलिए इसका अच्छा लिमिट भी क्या क्या लिमिट लगा हुआ है वहां पे, लिमिट लगा हुआ है 0 से 1 का। ओके प्रत्युष ध्यान रखो, हाँ सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। यस तो अब ये इजी हो गया, राइट? 1/2 बाहर, e टू द पावर t dt। अच्छा ध्यान रखना, जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, तो अब आपको लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा, यहीं पे लोग मिस कर जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन में 0 से 1 दिया हुआ है, तो व्हेन x इज 0, लकीली यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, x को 0 पुट करोगे तो x स्क्वायर का वैल्यू t है, तो t भी 0 हो गया, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, आपका t का वैल्यू भी 1 हो गया, राइट? तो मेरा ओरिजिनल लिमिट और न्यू लिमिट दोनों यहाँ पे सेम होने वाला है, ठीक है? तो आदित्य, आई होप दिस इज क्लियर। द रीजन व्हाई आई वाज आस्किंग कि किसी ने बिना सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व किया है क्या, बिकॉज ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज के अंदर है नहीं। अभी जो हमारे पास एक्सरसाइज है वहां पे हमको सिंपल फॉर्मूला लगा के करना था, बिना सब्स्टिट्यूशन के तो मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा, बट बिना सब्स्टिट्यूशन के बाईपार्ट से लगेगा, और कोई दूसरा चीज तो बचता नहीं है यहाँ पे, ठीक है? सो गाइज इज इट ओके नाउ? आई थिंक ये पूरा एक्सरसाइज कवर हो गया, किसी के कोई डाउट्स हैं इसमें? डन, आगे बढ़े फिर अगला एक्सरसाइज। Tell me quickly, अगले एक्सरसाइज में बढ़े फिर? ओके ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है।
ये तो छोटू सा एक्सरसाइज है 7.10। बताओ कहां पे प्रॉब्लम हुआ है? टू फाइव एट नाइन, आधा एक्सरसाइज हम ही करें। सेना 7.11 थोड़ी देर में पहले 9 और 10 लोगों को होमवर्क दिया था, तो आपको पता है कि 50% से ज्यादा लोगों ने 11th का एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया होगा। रोशन क्यों नहीं किया यार? अच्छा चलो शुरू करते हैं। टू डाउट्स आए हैं। 2, 5, 8, 9। टू में है रूट साइन एक्स, रूट साइन 5, कॉस पावर 5। एक्सरसाइज 7.10। अच्छा देखो मैं लिमिट्स वाले पार्ट पे अभी लिख नहीं रहा हूं, ठीक है? मैं यहां पे देखता हूं कि हमारे पास सर रूट साइन 5 इंटू कॉस टू द पावर 5 भी फाइव, ठीक है? अच्छा क्लियर कट बात दिख रही है कि यार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन में कॉस एक्स आता है, ठीक है? और रूट के अंदर है साइन, तो सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले माइंड में अगर आपको डाउट आ रहा है कि साइन को सब्स्टिट्यूट करे या कॉस को सब्स्टिट्यूट करे, तो वो हटा देना, बिकॉज रूट वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट डीएक्स में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे, पुट साइन 5 एस टी। लेकिन साथ ही साथ आपको जो चीज ध्यान में रखनी है कि ये तो t आ जाएगा, तो हमारे पास अगर dt वाला पार्ट पे चलो गया तो cos phi d phi, ये हमारा dt आएगा ना, तो cos तो एक ही आया लेकिन चार cos अभी भी अंदर बचे हुए। अब उन चार cos को कैसे हैंडल करना है? ये तो अपना रूट t हो गया, ठीक है? अगर मैं बोलूं तो एक cos phi d phi इसको हम अलग कर दिए, जो बीच में चार cos बचे ना, उन चार cos को देखो ऐसे लिख सकते हैं cos square का whole square, ठीक है? cos square का whole square लिख सकते हो, and फिर cos square हम 1 minus sin square लिख सकते हैं ना, तो 1 minus sin square लिखोगे तो 1 minus t square हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा डी टी। ठीक है श्रेया, पता चल रहा है ना ये पार्ट? और उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dt, ठीक है? और फिर इस रूट टी को अंदर डाल दो, रूट टी का मतलब t टू द पावर हाफ होता है, cos phi, श्रेया देखो क्या किया मैंने, sin phi को t माना है, तो cos phi d phi हमारा dt होना था, तो एक cos हमारा टेकन केयर हो जाएगा dt में, लेकिन चार cos बचे हुए थे ना, वो चार cos को देखो ऐसे लिख सकते हैं cos square phi का whole square, cos square phi का whole square लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में आप cos square का जगह पे हम 1 minus sin square ला सकते हैं कि नहीं, तो 1 minus sin square लाओगे तो हम 1 minus t square लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 minus t square का whole square, और यहाँ पे जो लास्ट में cos phi d phi लिखा उसके जगह तो dt लिख दिया, ठीक है? और फिर ये अंदर अपना a square minus a minus b का whole square, 1 को a treat करो, t square को b की तरह treat करो, तो a minus b का whole square हुआ, and now this t to the power 1 by 2 take it inside, तो 1 के साथ multiply होगा तो t to the power 1 by 2 ही बनेगा, 4 के साथ होगा तो 4 plus 1 by 2 will give you 9 by 2, and 2 के साथ होगा तो 2 plus 1 by 2 will give you 5 by 2, ठीक है? और अब आपको इसका simple सा integration करना है, अब limits पे आ जाते हैं, limit था 0 से pi by 2 वाला, right? So when
पाई इज जीरो, पाई जीरो मतलब साइन जीरो कितना है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो ही होता है, तो टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एंड व्हेन फाई इज पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन होता है, तो वहां पे टी का वैल्यू वन हो जाएगा। तो हमारे लिमिट्स क्या होंगे, लोअर लिमिट हो जाएगा जीरो एंड अपर लिमिट हो जाएगा वन। ओके डन आई थिंक। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस कर रखे हैं, उनको थोड़ा बोर्ड फील हो रहा होगा, तो थोड़ा सा उनकी जिंदगी में खुशी देने के लिए एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं। ओके ओके सो जो लोग क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम बहुत बचा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है वो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर लिया है। वी हैव अ पास्ट ईयर क्वेश्चन हियर, ये आप सॉल्व करो। एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं। सेकेंड वाला में लिमिट है जीरो से पाई बाई टू का। ओके एंड अनिकेत इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा खुश हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन थे जिनमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, मतलब 7.11 के ऊपर बेस नहीं है, ये एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 के ऊपर ही बेस्ड है। ओके चलिए ये तीन क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट वाले में कोई लिमिट नहीं है, फर्स्ट वाले में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेट है। सेकेंड वाले में लिमिट है जीरो से पाई बाई टू, थर्ड वाले में लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर का। चलो तो अब इनके जिंदगी में रंग आ गए एंड बाकी लोग आज डाउट्स वगैरह आपके कंटिन्यू होंगे अब। सो हमने टू कर लिया, फाइव कर लिया, अब आएंगे एट और नाइन। ऋतिक एग्जाम्पल का फोर्थ देखता हूं अभी।
कौन सा वाला? ऋतिक अनम्यूट करके बताओ एक बार, एग्जांपल नंबर कौन सा? ये जैसे 28 ये रहा, ये 29 है। चैट में बता दो, आवाज नहीं आ रही, मतलब रोबोट वाली आवाज आ रही है। एंड मीनवाइल ओके श्रेया देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 5, बाकी किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ। 5 में अगेन श्रेया सेम अप्रोच रहेगा, क्योंकि नीचे अगर हम cos x को t मान लेते हैं ना, put cos x is equal to t, तो फिर माइनस sin x dx ये अपना dt हो जाएगा, ठीक है, माइनस sin x dx अपना dt हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है एक्चुअली में sin x dx, देखो न्यूमिनेटर में है तो अपना dt क्या वो कवर कर लेगा, तो अब जो अपना इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हम लिखेंगे dt और नीचे लिखेंगे हम 1 प्लस t स्क्वायर, और ये 1 प्लस t स्क्वायर आपका tan इनवर्स x वाला हो जाएगा। श्रेया प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखो ये अब इनफैक्ट इस पोजीशन पे यू हैव टू बी कंफर्टेबल, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस। अब सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा फंडा क्या होता है, आप ऐसा फंक्शन पकड़ो t जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ आ जाए, जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ आ जाए, वही मैंने यहाँ पे टेक्निक लगाया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन वाला स्लाइड देखना है, जो लोग क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करें ना एक बार स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो इसका। ठीक है, एंड श्रेया सजेशन एकदम सिंपल सा है, वैसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन हमको डीएक्स के साथ दिख रहा हो, ठीक है। अब जैसे डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर के टर्म को टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन तो डिनोमिनेटर में आता, लेकिन वो डीएक्स के साथ नहीं आता, ओके? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा आई जस्ट टेक 5 मिनट्स, हाँ समवन हैज कम अप, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके उस क्वेश्चन वाले स्लाइड पे ले आता हूँ, आप लोग एक बार क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई करो, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स।
ओके गाइज, विवेक सर की क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? अभी विवेक का मैसेज आया है, वो ओके। तो अभी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जूम बिल्कुल सही नहीं काम कर रहा है, पकड़ो उसको, जूम का मालिक को पकड़ो, मैं भी आता हूं। ओके, तो आई कैन सी अनिकेत का आंसर आ चुका है एंड आदित्य राज ने बहुत पहले आंसर दे दिया था, दो लोगों के आंसर आए हैं, सिन्हा का आंसर आया है, तीन हो गए, और किसी का आंसर आया क्या पहले क्वेश्चन का? मिली, वेरी गुड। सेकेंड वाला भी आ गया आदिति आपका, सेकेंड वाला सही है आदिति, वेरी गुड। अदनान थोड़ा सा गलत है आंसर, ऋतु माइनस साइन बस नहीं होना चाहिए, अदनान अभी सही है लेकिन माइनस साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बाकी ये सॉल्यूशन मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, सो डोंट वरी। मीनवाइल अभी जो क्लास जिसका करने आए थे वो देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, श्रेया इसमें और किसमें प्रॉब्लम था आपको? 8-9 ऋतिक, एग्जाम्पल का 4, 27 का 4, एग्जाम्पल नंबर 27 की बात कर रहे हो? ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 27, इसका फोर्थ वाला कह रहे हो आप, राइट? देखो यहां पे अगर आप ऐसे ही देखोगे, ये विदाउट इंटीग्रेशन किया है क्या इन्होंने, विदाउट सब्स्टिट्यूशन? नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगा के किया है, ठीक है? देखो ऋतिक, अब आपको सोचना है कि हम साइन वाले को टी माने या कॉस वाले को टी माने, और क्यों सब्स्टिट्यूशन में दिमाग में क्यों आ रहा है? बिकॉज एक फंक्शन को टी मानने से दूसरे का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, प्लस माइनस इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट मच, राइट? तो अब आप, हमें यह डिसाइड करना था कि हम किसके साथ चले। अगर आप साइन को टी मानते हो, मान लो अगर आपने कॉस को टी माना, दोनों, इनफैक्ट यहाँ पे आप दोनों को अज्यूम करके भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी, दोनों को अज्यूम किया जा सकता है, बट बेटर अप्रोच या इजी वाला क्या होगा कि हमने साइन 2t को इसको मान लिया x, तो उससे क्या हो जाएगा, 2 cos of 2t dt is equal to dx, ठीक है? तो उससे ये फायदा होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये dx में आ जाएगा। तो अब जो अपना इंटीग्रेशन है वो अब इंटीग्रेशन में लिमिट्स, तो ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो आप कर लोगे। तो टी मैंने साइन 2t को अज्यूम किया था, एक्स मैंने साइन 2t को अज्यूम किया था, तो साइन क्यूब में वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है? और मेरे पास कॉस 2t dt, तो यहां से अगर आप कॉस 2t dt की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा dx/2, वो आ जाएगा dx/2। तो इसका मतलब आगे क्या आएगा ऋतिक, ये आ जाएगा dx/2, 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है? अब 2 बाहर निकल आया, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x^4/4 होगा कि नहीं, और लिमिट लगाना है इसलिए ये बॉक्स बना देते हैं। और अब आप लिमिट निकाल सकते हो, t का वैल्यू 0 पुट करो तो x आएगा, t का वैल्यू π/4 पुट करो तो x आएगा। तो बताओ यहाँ पे और कोई दिक्कत हुई है क्या?
ऋतिक कहां पे दिक्कत हो रहा है? अगर आप कुछ कह रहे हो तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, बस यही था। देखो वो x पावर 4 आया हुआ होता, ठीक है, देख सकते हो ना यहाँ पे x टू दी पावर 4, x के जगह पे साइन 2t रखा तो साइन टू दी पावर 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नाउ श्रेया, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल सा फॉर्मूला क्यों दिख रहा है मेरे को? अगर आपको याद होगा तो एक सिंपल e पावर x वाला फॉर्मूला किए थे अपन। e टू द पावर x वाला फॉर्मूला किए थे। जहां पे e टू द पावर अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो और e टू द पावर x इनटू अब e टू द पावर x के साथ fx लगा हुआ है और fx का डिफरेंशिएशन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो e टू द पावर x इनटू fx प्लस f डैश अगर ये चीज है तो इसका इंटीग्रेशन में आता है e टू द पावर x fx प्लस c, ठीक है। कोई नहीं रहते, रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके। तो श्रेया ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये आपको हमेशा दिमाग में हिट करना चाहिए जब आपको e टू द पावर x एक बार दिख रहा है और आपको दो फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट विल एक्चुअली हेल्प आपको ये कहीं ना कहीं एक बार चेक कर लेना कि ये इस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला, e टू द पावर 2x बाहर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर, 1 बाई एक्स। तो यहां अगर देखें ये तो e टू द पावर 2x हो गया, ब्रैकेट में है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर, राइट। अब आप 1 बाई एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हो, 1 बाई एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, कलर चेंज करें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। अब आप अगर इसका डिफरेंशिएशन एक बार करोगे, एफ डैश निकालोगे, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? log x कैसे होगा? 1 by x का इंटीग्रेशन log x होता है, माइनस 1 by x square। तो ठीक है, तो अगर पहला फंक्शन को अगर हम एफ एक्स मान रहे तो कहीं ना कहीं 1 बाई एक्स पर तो आ गया, 2 के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कैसे डील करें 2 वाले पार्ट को? एनीवन कैसे डील करें?
प्रत्युष अनिकेत डायरेक्टली तो नहीं फिट हो रहा है, कुछ गलती कर रहा हूं? एग्जैक्टली फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ऊपर, उस फॉर्मूला में मेरे पास e टू द पावर x है और यहां फॉर्मूला में क्या है, e टू द पावर 2x है। श्रेया कुछ समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? बिकॉज आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहां पे सेकेंड थिंग विच वी कैन डू इज सर, यहाँ पे 2x को पहले t ले सकते हैं ना? एग्जैक्टली वही सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। यस सर, उसके बाद आ जाएगा उसके टर्म। तो शेयर देखो, जब आप 1 बाई एक्स को एफ एक्स माने तो उसका एफ डैश हमको क्लियरली नहीं मिल रहा था ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा था 2 के कारण। वो इसीलिए हुआ क्योंकि फॉर्मूला में हमारे e पावर x अकेला होता है, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर 2x आ रहा था, तो इसीलिए e टू द पावर 2x की जगह पे एक सिंगल वेरिएबल लिखने के लिए हमने क्या किया, 2x को t माना। 2x को t मानने से हमारा dx टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक है? टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो अब सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में चेंजेस लिखे उसके अकॉर्डिंग, तो यहां बन गया ई टू द पावर टी, ब्रैकेट में देखो एक्स के जगह पे क्या लिखना है, अगर टू एक्स को टी माना है तो एक्स हमारा टी बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई एक्स हमारा एक्चुअली में टू बाई टी हो जाएगा, माइनस वन बाई ठीक है, तो बस अब यहां पे श्रेय हम एक्स के जगह पे टी रख रहे हैं, तो ये डिनोमिनेटर के दोनों एक्स के जगह टी रखा और डीएक्स के जगह डीटी आ गया, और साथ ही साथ एक टू बाहर भी आएगा बिकॉज हम टू डीएक्स इज इक्वल टू डीटी हो रहा है ना, टू नहीं वन बाई टू बाहर आएगा, राइट? और फिर हल्का सा सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में देखो, इस न्यूमरेटर पे भी टू है, इस न्यूमरेटर पे भी टू है, तो उस टू को बाहर लेकर आ गए, तो नाउ द क्वेश्चन इज सिंपली ई पावर एक्स ई पावर टी इंटू वन बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर, e पावर 1 by t माइनस 1 by t स्क्वायर dt, ठीक है? ठीक है श्रेया, देखो अब क्लियर है, प्रॉपर ऊपर वाला फॉर्मूला में आ गया ना, e के ऊपर पावर में जो वेरिएबल है वो अकेला है, और वही 1 by x होता तो 1 माइनस 1 by x स्क्वायर आ रहा है, अब 1 by t अगर ये fx है तो ये आपका डिफरेंशिएशन इधर हो गया, ठीक? ओके तो अब यहाँ पे अगर एक लास्ट स्टेप अगर करें तो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, अंदर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे अब हम, ई टी ई पावर टी इंटू वन बाई टी, राइट? और लिमिट हमने टू एक्स को टी माना हुआ है, सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन t is equal to 2 and when x is equal to 2
टी इज इक्वल टू फोर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग लोअर लिमिट टू और अपर लिमिट फोर हो जाएगा, तो हमारे पास e टू द पावर फोर अपॉन फोर माइनस e टू द पावर स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पे फिर आप सिंप्लीफाई e पावर टू कॉमन ले लो, टू कॉमन ले लो, हो जाएगा राइट। लिमिट चेंज नहीं हुआ था प्रत्युष। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका है नाइन, राइट। नाइन फटाफट करते हैं और क्लास को एंड करेंगे फिर। नाइन्थ में है x माइनस एक्स क्यूब का होल टू द पावर 1 बाई थ्री अपॉन x टू द पावर 4। सब्स्टिट्यूशन तो लगना ही है यहाँ पे, बस डिसाइड करो कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। अगर हम एक्स टू द पावर माइनस फोर को टी मानते हैं, एक्स टू द पावर माइनस फोर को टी मानते हैं, तो विल हैव सर पहले इसमें से सर कॉमन निकाल लेंगे एक्स क्यूब को, सर उसका पावर x बाहर निकल आएगा, सर उसका पावर 1 बाई 3 हुआ तो वो x बाहर। यस सर, रूपाली आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? इंटीग्रेशन x माइनस x क्यूब अपॉन x माइनस x क्यूब। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट गाइस, ऐसे भी इसके बाद आपकी कोई क्लास है नहीं, इवन दो आई हैव अ क्लास एट 9 o'clock। ट्रिगोनोमेट्री का क्लास करना है किसी को तो मैसेज कर देना, लिंक भेज दूंगा। 9 बजे से शुरू हो जाएगा, केमिस्ट्री की जगह थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा, और अवंती का मॉड्यूल लेकर बैठना, उसके लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे डिस्कस। Integration of x minus x cube to the power 1 by 3 upon x to the power 4. Anikit, ठीक है आपके मेथड से चलते अभी। अगर हम x cube कॉमन लेते हैं तो x cube के ऊपर पावर आएगा 1 बाई 3 का, और ब्रैकेट में हमारे पास x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 टू द पावर 1 बाई 3 बचेगा। भेज दूंगा ऊपर तो x हो गया और यहाँ पे x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 dx, ठीक है। एंड ये इधर कटा 3 आया। सो शेयर देखिए x टू द पावर बस सिंपल क्या किया, मेरे दिमाग में कुछ आता उससे पहले अनिकेत ने बता ही दिया कि अगर यहाँ पे x क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर एक x टू द पावर माइनस 2 आएगा, और कॉमन लेने के कारण डिनोमिनेटर का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी एक्चुअली हैव समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 होल माइनस 1। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये इंस्टेंटली हिट नहीं किया मेरे को जैसे बाकी क्वेश्चन कर रहे थे, राइट। अब आपको सोचना है श्रेया कि हम डिनोमिनेटर को टी माने या न्यूमिनेटर वाले पार्ट को टी माने। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी मानोगे एक्स क्यूब, राइट। एक्स क्यूब को टी मानोगे तो आपको 3x² आएगा। अब x² तो अभी हमको दिख नहीं रहा है, राइट। x² दिख नहीं रहा है तो इसलिए बेटर अप्रोच क्या होगा, x टू द पावर
जो ऊपर पावर के अंदर वाला जो पार्ट है उसको टी लिख लेते हैं. तो पुट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कह रहा हूं एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू टी. तो यहां से जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस टू बाई एक्स क्यूब डीएक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा. अब हमें दिख रहा है कि dx ऊपर है x क्यूब नीचे है, मतलब माइनस टू को बस थोड़ा शिफ्ट करना है. तो dx अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू हो जाएगा. ठीक है, और जो अपना इंटीग्रेशन है i, दैट i विल गेट कन्वर्टेड टू ब्रैकेट के पावर का अंदर वाला पार्ट तो t लिखा हुआ है, तो वो t का पावर 1 बाई 3 हो गया और बाकी dt में आ गया. तो dt रखा एंड माइनस टू को बाहर रख दिया. ओके, तो श्रेया इज इट नाउ ओके, क्लियर है? माइनस हाफ होगा ना सर, सॉरी माइनस हाफ, माइनस वन बाई टू. ठीक है, बिकॉज dt अपॉन टू है तो इसलिए माइनस वन बाई टू. ये माइनस हाफ हो गया. अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, t टू दी पर 1 बाई 3 का, राइट? तो हो गए क्वेश्चन सॉल्व. अच्छा, बाकी सब के लिए छोटा सा काम रहेगा, बिकॉज आर टारगेट विल बी कि नेक्स्ट क्लास में हम इसे खत्म करें. पूरा अक्टूबर ये चला है हमारा. सो द स्मॉल होमवर्क फॉर ईच वन ऑफ यू वुड बी 7.11 ना, पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो ये आपको सामने पी नॉट से लेके P7, ये 7 प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे हैं. उसमें से स्टार्टिंग के 2-4 प्रॉपर्टीज बड़ा आसान है, मतलब इवन जैसे समझने के लिए बड़े इजी है. पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया. सो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज आर वेरी इजी, वो उसका प्रूफ भी अगर आप देखोगे यहाँ पे सबके प्रूफ लिखे हुए तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर बाकी जो अगले वाले है प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा सोचना या याद करने की कोशिश करना. इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं आने वाला, आपको एज अ प्रॉपर्टी इसको यूज करना है क्वेश्चन में. और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होते हैं ये P3 से लेके P7 तक के, मेनली P3 से लेके P7 तक के ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं. ओके हाँ, इसको कहीं ना कहीं डट्टा मारना पड़ेगा. और जो आपको अच्छे वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अच्छे वाले क्वेश्चंस, वो आपको प्रॉपर्टी से ही बनते हैं. तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं बाय हार्ट कहते हैं ना, बाय हार्ट कर लेना, दिल में बैठा लेना इसको. और आज जैसे कि हमारा सेकेंड क्लास है वीक का, फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो हमारा टारगेट रहेगा कि फ्राइडे को हम इसको कंप्लीट करें. ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह भी खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि हम उस दिन अच्छे से यूटिलाइज करके इसको खत्म कर पाए, ताकि अगला महीना अगला चैप्टर शुरू हो. एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्सरसाइज, वी हैव अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन देयर. आपसे जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है उतना क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा. वी हैव 21 क्वेश्चंस, आराम से हर बच्चा 5 से 7 क्वेश्चन कर सकता है. ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन सबको ही कर सकते हो. 8 से 10 क्वेश्चन बचेंगे जो हम क्लास में डिस्कस कर सकेंगे इजीली, अगर आपने प्रॉपर्टीज रट्टा मार रखा है और 5-7 क्वेश्चन कर रखे तो. राइट, इसमें से जानते हो क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, अ लॉट ऑफ past year questions, a lot of past year questions have come from this exercise directly. मैं आपको दिखा भी दूंगा कितने सारे questions सीधे एनसीईआरटी के exams में आए हुए हैं, बहुत सारे questions. ये वाला बहुत बार repeat हुआ है, ये mod वाले. ठीक है, ये पकड़ लो या ये पकड़ लो, कोई भी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये. राइट, आई थिंक मेरे टाइम पे 17 वाला आया हुआ था.
सर हाँ बोलो सर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस वाई आई केस में, सर उसका जो सर 6-6 नंबर वाले में था, तो सर उसका रूट 10x वाले को छोड़ के एक और जो था x²-2 ऐसे करके, सर वो क्वेश्चन तो सर मैंने कहीं देखा ही नहीं। एक बात बताओ, कहीं नहीं देखा? आप सारे क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है मैथ्स मतलब उसको सारे रेफरेंस बुक को दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा ना, रजनीकांत बनना पड़ेगा तब तक। सर मैंने दो बुक बनाया सर, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा, उस टाइप का भी नहीं दिखा। अच्छा कोई नहीं, एक डायलॉग है ना जिंदगी में हर चीज पहली बार आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। एनीवेज गाइस, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, मैं क्लास को एंड करता हूँ, 9 बजे मुझे दूसरी क्लास शुरू करनी है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रत्युष देखो स्क्रीन पे प्रत्युष क्या लिख रहा है, प्रॉपर्टीज को रट्टा मारना है, 5-7 क्वेश्चन जो बनते हैं उसे सॉल्व करना, बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास में इसको करेंगे, ठीक है? बट यस, प्रॉपर्टीज बाय हार्ट होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट? तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर गाइस, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फ्राइडे वाली क्लास में।